और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ विवादित बयान पर अब घमासान जारी है। कांग्रेस नेता राजा पटियारिया की मुश्किलें बढ़ रही हैं, जहां पटियारिया के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ दिए गए विवादित बयान पर सियासी महाभारत छिड़ा हुआ है। बीजेपी ने पीएम के खिलाफ की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर कांग्रेस पर चौतरफा हमला बोला है। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने विवादित बयान देने वाले कांग्रेसी नेता राजा पटियारिया के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश दिए। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पीएम के खिलाफ ऐसे बयानों को सहन नहीं किया जा सकता। इसलिए कांग्रेस के एक नेता मोदी जी की हत्या की बात कर रहे हैं, विद्वेष की पराकाष्ठा है, घृणा की अति है। कांग्रेस के असली भाव प्रकट हो रहे हैं। इस बीच भोपाल में बीजेपी डेलीगेशन ने DGP से मुलाकात की और राजा पटियारिया के तत्काल गिरफ्तार करने की मांग की। वहीं दूसरी तरफ जबलपुर में बीजेपी नेताओं ने पटियारिया के खिलाफ FIR दर्ज कराई। पूर्व मंत्री राजा पटियारिया ने दमोह में एक सभा के दौरान लोगों से कहा था कि पीएम मोदी की हत्या करने के लिए तैयार रहो। हालांकि विवाद बढ़ा तो पटियारिया बयान पर सफाई देते नजर आए। गांधी को मानने वाला किसी किस्म की हत्या का पक्षधर कभी हो ही नहीं सकता। मैं तो 21 साल की उम्र से गांधी के पक्षधर हूँ, नेहरू का पक्षधर हूँ।